वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7। स्वागत है आपका चैनल पे स्टडी 24/7। गाइज, ये पद्मा अवार्ड्स हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। मैं अभी आगे लाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये पहला वीडियो है कि जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है। फिर वो करंट अफेयर्स अगर वो अवार्ड्स के बारे में हो, या फिर स्पोर्ट्स के बारे में हो, या फिर बैंकिंग के बारे में हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हो, उसमें से इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हुई है मैं आपके लिए उसका वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आगे आने वाले जो अभी 6 मंथ्स है, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स देनी है। जैसे आपको SBI क्लर्क की, मेंस भी आएगी, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ध्यान में अगर रखेंगे तो आपको स्कोर करने में उस टाइम पर आसानी जाएगी। और ये चीज़ें ऐसी है कि एक साल ऑलमोस्ट ये करंट अफेयर्स जो है, जैसे अवार्ड्स हो गए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि 2-3 महीने के बाद ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, नहीं। जब तक 2018 है तो पद्मा अवार्ड्स या फिर जो भी अवार्ड्स इस साल में दिए गए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो पद्मा अवार्ड्स में अभी हम पद्म विभूषण और पद्म भूषण डिस्कस करेंगे। पद्म विभूषण बहुत कम लोगों को दिया जाता है, उसके बाद पद्म भूषण दिया जाता है, तो और पद्मश्री। तो पद्मश्री बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, ऑलमोस्ट 40, 50 या 60। लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ को हमें ध्यान में रखना होता है। सब नाम आप याद में रखने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण की, तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण में लिमिटेड लोग रहते हैं, इसीलिए हमें याद रखना ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं कि किसको पद्म विभूषण और किसको पद्म भूषण मिला है। सो गाइस, देखिए, पद्म विभूषण अवार्ड्स सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण और उसके बाद पद्म भूषण आता है। सो पद्म विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सो ये इलैयाराजा आर्ट म्यूजिक के लिए इनको दिया गया, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इलैयाराजा आर्ट फील्ड के लिए म्यूज़िक, ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा खान इनको भी आर्ट म्यूज़िक फील्ड में है, ये आर्ट कैटेगरी के लिए इनको दिया गया। उसके बाद आएगा नंबर परमेश्वरम लिटरेचर और एजुकेशन के लिए इनको दिया गया। तो पद्म विभूषण जो है 3 लोगों को दिया गया, इलैयाराजा, गुलाम मुस्तफ़ा खान और परमेश्वरम। अब इन तीनों लोगों की जो है फील्ड आपको ध्यान में रखना ज़रूरी बनता है। तो इलैयाराजा आर्ट, गुलाम मुस्तफ़ा खान आर्ट, और दोनों म्यूज़िक में है, और परमेश्वरम जो है लिटरेचर और एजुकेशन में, ठीक है। अब हम आते हैं पद्म भूषण अवार्ड्स की तरफ, जो पद्म भूषण अवार्ड दिए गए। सो इसमें ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है इंडिया में इसको। सो पंकज जजवानी जो कि स्नूकर प्लेयर है, बहुत बढ़िया चैम्पियन है हमारे इंडिया के, तो वर्ल्ड के भी चैम्पियन है। तो स्पोर्ट कैटेगरी में इनको बिलियर्ड्स के लिए, या स्नूकर हम कह सकते हैं इस फील्ड के लिए, इनको मिला स्पोर्ट्स कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद हमारे चहित है महेंद्र सिंह धोनी जी, क्रिकेट के लिए स्पोर्ट्स कैटेगरी में इनको मिला, ठीक है। सो उसके बाद अलेक्जेंडर कडाकिन, ये फॉरेनर है, पोस्टमस इनको दिया गया, यानी ये अभी नहीं है इस दुनिया में, इसलिए पोस्टमस कहा जाता है, ठीक है, और फॉरेनर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द फॉरेनर बीन अवार्डेड अलेक्जेंडर बीन अवार्डेड द पद्म भूषण अवार्ड इन पब्लिक अफेयर्स, या फिर उनका किस चीज़ के लिए इनको अवार्ड दिया गया। अलेक्जेंडर कदाकिन इनको कौन से कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, तो पब्लिक अफेयर्स के, ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हैं आप। उसके बाद वेद प्रकाश नंदा लिटरेचर एजुकेशन के लिए इनको मिला, वेद प्रकाश नंदा, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण पई आर्ट पेंटिंग के लिए, ठीक है, आर्ट कैटेगरी में पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद अरविंद पारिख इनको आर्ट म्यूज़िक के लिए, शारदा सिन्हा इनको आर्ट म्यूज़िक के लिए, फिर फिलोपोज मार क्रिसोस्तम, ठीक है, तो इनको अदर स्पिरिचुअलिज्म अदर्स कैटेगरी में स्पिरिचुअलिज्म के लिए ये जाने जाते हैं। उसके बाद रामचंद्रन नागास्वामी इनको भी आर्कियोलॉजी में काम करते हैं, लेकिन अदर्स कैटेगरी में इनको दिया गया, ठीक है। सो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, पद्म भूषण अवार्ड्स पंकज अडवाणी स्पोर्ट्स कैटेगरी में, स्नूकर प्लेयर है या फिर बिलियर्ड्स प्लेयर भी आप कह सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी
स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्रिकेटर हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर कदाकिन, ये फॉरेनर हैं, पोस्टूमस इनको आफ्टर उनकी डेथ के बाद ही अवार्ड दिया, सो इसीलिए पोस्टूमस वहाँ पर लिखा गया। पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में इनको मिला है। उसके बाद वेद प्रकाश नंदा, लिटरेचर एंड एजुकेशन। उसके बाद लक्ष्मण पई, इनको आर्ट कैटेगरी में पेंटिंग के लिए। और उसके बाद अरविंद पारिक, इनको भी आर्ट कैटेगरी में म्यूज़िक के लिए, ठीक है। शारदा सिन्हा, इनको भी आर्ट कैटेगरी में म्यूज़िक के लिए मिला है पद्म भूषण। उसके बाद फिलिपोज मार क्रिसोस्टम, इनको अदर्स में मिला है, अदर्स कैटेगरी में, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में काम करता है। उसके बाद रामचंद्रन नागास्वामी, इनको भी अदर्स में कैटेगरी में मिला है, लेकिन आर्कियोलॉजी के लिए ये काम करते हैं, आर्कियोलॉजी फील्ड में, ठीक है। सो गाइज, ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण हमने डिस्कस किया। इसके बाद पद्मश्री के लिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, वैसे लिस्ट तो मैं सबकी दूंगा, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रख सकते हैं पर्सनैलिटीज, पद्मश्री किसको मिला है वो हम देखेंगे। सो ये नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा। सो गाइज, थैंक यू सुनने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दिस इज सम्राट साइनिंग, थैंक यू।